सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक बिलियन हिटर्स के मंडे वाले कलेक्शन के अंदर, यानी आज के कलेक्शन एपिसोड के। दोस्तों, किसी मूवी का मंडे का जो कलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मंडे के कलेक्शन के बाद ही अंदाजा लग जाता है कि पूरे हफ्ते के अंदर ये मूवी किस हिसाब से कलेक्शन करने वाला, क्योंकि लगभग सभी मूवीज वीकेंड के अंदर रिलीज होता है। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये तीन दिन मिलता है इसको अच्छी तरीके से कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि छुट्टी बुट्टी सभी चीज रहता है एंड लोग जो है थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं एंड वीकेंड के अंदर बहुत सारा चांसेस रहता है कि एक अच्छा खासा कलेक्शन करके दे। अभी तक एक बिलियन हिटर्स जिस हिसाब से कलेक्शन करके दे रहा था, 7 करोड़, 7.5 करोड़, 8 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन करके दे रहा था, नहीं कहूंगा कि बहुत खराब है, लेकिन जितना कलेक्शन करके दे रहा था ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत अच्छा है। अगर इस मूवी का बजट 30 से लेकर 40 करोड़ होता फिर जाके ये कलेक्शन करता तो मैं मान सकता था कि हाँ भाई ये जो कलेक्शन कर रहा है ये सही कर रहा है, लेकिन अगर कोई मूवी का बजट 80 करोड़ 90 करोड़ प्लस हो जाता है उसके बाद ये कलेक्शन मैं नहीं कहूंगा कि उतना ज्यादा बेटर है। इसको मैक्सिमम वीकेंड खत्म होते होते 50 से लेकर 60 करोड़ एटलीस्ट 50 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही चाहिए था टोटल। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, तू ये कह रहा था, वो कह रहा था, अभी देख कलेक्शन के हिसाब से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, जो मैंने पहले कहा कि बजट अगर ऐसा होता 30-40 करोड़ तो मैं कहता कि हाँ भाई जो कलेक्शन इसने किया था वीकेंड के अंदर 7-8 करोड़ के करीब करीब तो भाई सही। इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, सो वही मैं कह रहा था कि वीकेंड के अंदर एक नॉर्मल सी मूवी आ जाए तो वो भी ठीक ठाक कलेक्शन कर लेता है, तो वीकेंड के अंदर कलेक्शन करेगा तो लाजमी है, ये तो इसका हाई बाय वो जो चीज था वो तो सही था, तो उस हिसाब से कलेक्शन करना तो लाजमी था। लेकिन जिस हिसाब से कलेक्शन किया, अगर डबल जीत में कलेक्शन करता तो मैं हाँ समझ सकता था कि हाँ भाई ये है जिस हिसाब से मूवी का बजट है उस हिसाब से कलेक्शन निकल के आ रहा है। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज था मंडे का, सभी नजरें गड़ा के बैठे हुए थे कि मंडे में किस हिसाब से कलेक्शन आएगा, क्योंकि मंडे का कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से आने वाले टाइम पे कलेक्शन देखते हुए नजर आएंगे। सो ऑलमोस्ट आज का यानी मंडे का जो कलेक्शन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिला है, 3 करोड़ का कलेक्शन आज एक बिलियन हिटर्स ने यहाँ पे किया। एंड अभी ये जो कलेक्शन में गिरावट देखने को मिला है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे, कल जाके 2 करोड़, फिर 1.5 करोड़, फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ तरीके से कलेक्शन करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता अभी जो कलेक्शन यहाँ पे गिरा है वो फिर से जाके वैसा होने वाला है, यानी 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास जो कलेक्शन हुआ करता था वो जाके 3 में हुआ, फिर जाके 2 में, फिर 1 में, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता फिर जाके जंप लेगा, तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है, अगर हो जाता है तो वही अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो आपको इस विषय में क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि तू उसमें को लगे हेट फैला रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। देखो यार, मेरे को हेट फैलाने में या फिर कुछ करने में मेरे को मजा नहीं आता, जो सही है वो सही है, जो सच है मैंने वो बोला, मूवी मेरे को जैसा लगा मैंने वैसा रिव्यू दिया, मूवी मेरे को उतना ज्यादा बढ़िया लगा नहीं, जैसा कलेक्शन आया वैसा मैंने बताया, अगर अच्छा है तो मैंने अच्छा भी बोला, बुरा आया तो बुरा बोला, जो सही है वो मैंने बोला। सभी आप लोगों के बीच में जो कहना है कमेंट बॉक्स ऑल योर्स कह सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।